हम यहां बात करते हैं सबसे पहले बिंदु पर कि घर परिवार का माहौल सुरक्षित, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण होना चाहिए। जिस परिवार में शिशु का जन्म होता है, उस परिवार में यदि वहां का माहौल सुरक्षित है, स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण है, आसपास स्वच्छता है एवं शांति का माहौल है, तो निश्चित तौर से वहां का शिशु मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, शिशु के प्रति प्रेम, शिष्टता एवं सहानुभूति हो। शिशु बहुत ही मासूम होता है, तो निश्चित तौर से शिशु को हमें पर्याप्त प्रेम, चाहे माँ बाप का प्रेम हो, भाई बहनों का प्रेम हो, दादा दादी का प्रेम हो, शिशु को पर्याप्त प्रेम मिलना चाहिए। साथ ही जब वह कुछ बड़ा हो जाए, उसके साथ में हमेशा शिष्टतापूर्ण बातें करना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर नैतिकता का आविर्भाव हो सके। तीसरी बात आती है, शिशु की जिज्ञासा का समन होना चाहिए। अर्थात जब शिशु 4 या 5 साल का होने लगता है, उस समय शिशु के मन के अंदर कई तरह की जिज्ञासा जागृत होती है। वह अपने से बड़ों से कई तरह के प्रश्न पूछता है, तो इस समय हमें बालक के प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, जिससे कि बालक का मानसिक विकास उचित तरीके से हो सके। चौथा बिंदु, ऐसे प्रकरणों की शिक्षा दी जाए ताकि शिशु वास्तविक संसार के निकट आ जाए, कि शिशु कल्पना जगत पे विचरण करता है। अतः ऐसे विषयों की उसे शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बालक वास्तविक संसार के निकट आए, अर्थात कल्पना लोक से निकलकर वास्तविकता को जाने। पांचवा बिंदु है, स्वतंत्रता व स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करना। शिशु को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं सीखने एवं कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, उसे पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए, किंतु उचित अनुचित बातों के बारे में उसे समझाना आवश्यक रूप से चाहिए। जब तक बालक को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी या स्वयं सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे, तो उसका उचित मानसिक विकास होना संभव नहीं हो पाता है। अतः हमें उसका उचित मानसिक विकास करने के लिए, उचित भाषाई विकास करने के लिए या अन्य विकासों को गति देने के लिए हमें पर्याप्त स्वतंत्रता और सीखने के अवसर देना चाहिए। छठवां बिंदु है, दक्षताओं एवं कौशलों को निखारने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिशु के अंदर अनेक प्रकार के कौशल एवं गुण निहित होते हैं, अतः उन्हें उभारने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा जन्मजात उसके अंदर कई प्रकार की योग्यताएं और कौशल होते हैं, उनको निखारने के लिए पर्याप्त प्रयास करें। सातवां बिंदु है, परस्पर संबंध एवं वार्तालाप के अवसर प्राप्त हो। सामाजिक भावना की ओर अग्रसर होने के अवसर प्रदान करने हेतु बालक को 4 या 5 वर्ष की उम्र के दरम्यान अन्य शिशुओं या बच्चों से घुलने मिलने देना चाहिए, परस्पर खेलने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तभी तो जो शिशु है वह दूसरे बच्चों के साथ वार्तालाप करेगा या अन्य व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करेगा, जिससे कि उसका भाषाई विकास, मानसिक विकास एवं अन्य विकास उसके होंगे। आठवां बिंदु हमारा, आत्म प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर दिए जावे। शिशु को अपनी भावना को व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, जिससे उसमें आत्म प्रदर्शन के गुण विकसित हो सके। प्रत्येक शिशु चाहता है कि वह अपने आप को प्रदर्शित करे, अपने आप के गुणों को दूसरों के सामने रखे, जिससे कि उसकी प्रशंसा हो, तारीफ हो। नवम बिंदु में, चिंतन करने हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। शिशु में जो मानसिक क्रियाएं हैं उसकी तीव्रता होती है, अतः सोचने विचारने के, मनन करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें हम, ताकि शिशु को सोचने के अवसर मिले और बालक के अंदर मानसिक विकास तीव्र गति से हो, उसकी तार्किकता का विकास हो। दसवां बिंदु, नैतिक भावनाओं को उभारने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। जब शिशु जो है बोलने या चलने लगे, तब उसे सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर कार्य को पूरा करने जैसी अच्छी आदतों का उसमें अंदर विकास करना चाहिए। उसे विभिन्न महापुरुषों की कथाओं, गाथाओं के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि उसके अंदर नैतिक भावनाओं का विकास हो सके। 11वां बिंदु है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन कर वास्तविक व्यवहार से परिचित कराया जाए। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं, अतः उनका समन करके संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि उसका व्यवहार वास्तविक हो सके। 12वां बिंदु है, मूलभूत प्रवृत्तियों को उभारना एवं आवश्यक सुधार करना। बालक के अंदर कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं, वह इन मूलभूत प्रवृत्तियों के साथ में जन्म लेता है, जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः प्रवृत्तियां जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, जो कि अच्छी हैं तो उनको हम उभारना चाहिए, और यदि कुछ प्रवृत्तियां गलत हैं तो उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, सद्व्यवहारों की ओर उसे ले जाना चाहिए।
13वां बिंदु है खेल खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा का प्रबंध करना। शिशु के संदर्भ में माता पिता या शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिशु खेलों को बहुत अधिक पसंद करता है। आप भी देखते होंगे बच्चा पूरे दिन भर खेलते रहता है, अतः उसे खेल खेल में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक स्ट्रेंग ने कहा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा ही सीखता है, अतः हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। 14वीं बात क्या है, सार गर्भित कहानियों के माध्यम से आदर्श स्थापित करना। शैशवावस्था के अंतिम दौर अर्थात 5 वर्ष की अवस्था में शिशु को कहानियां सुनना बहुत अधिक पसंद होता है, अतः उसे कहानी सुनाने के साथ उससे संदर्भित जो पुस्तकें हैं वो सचित्र हों और उसे देखने व कहानी को मूर्त रूप प्रदान करके उसे हमें कहानी बताना चाहिए। 15वीं बात यह है कि परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सके। शिशु की ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जैसे कि हाथ पैर नेत्र कान उसके प्रारंभिक शिक्षक है। और 16वां बिंदु क्या है, सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन। बालक के अंदर यदि उसके विभिन्न कौशलों का उजागर करना चाहते हैं तो हमें सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, उसे कई तरह की चीजों का निर्माण करने में हमें सहायता करनी चाहिए, उसे निर्देशन देना चाहिए ताकि शिशु का उचित विकास हो सके। फिर से इनको एक बार दोहरा लेते हैं, घर परिवार का माहौल सुरक्षित स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है शिशु के प्रति प्रेम शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार हो। तीसरा शिशु की जिज्ञासा का समन होना चाहिए। चौथी बात ऐसे प्रकरणों की शिक्षा दी जाए ताकि शिशु वास्तविक संसार के निकट आए। पांचवी बात स्वतंत्रता व स्वयं सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। छठवीं बात दक्षताओं एवं कौशलों को निखारने का प्रयास किया जाना चाहिए। सातवां है परस्पर संबंध एवं वार्तालाप के अवसर प्राप्त हों। आठवां है आत्म प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर दिए जावे। नौवां है चिंतन करने हेतु परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। दसवां है नैतिक भावनाओं को उभारने हेतु प्रयास किए जावे। ग्यारहवां है मूल प्रवृत्तियों के शोधन कर वास्तविक व्यवहार से परिचित कराया जाए। बारहवां है मूलभूत प्रवृत्तियों को उभारना तथा आवश्यक सुधार करना। 13वां बिंदु है खेल खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा का प्रबंध करना। 14वां है सारगर्भित कहानियों के माध्यम से आदर्श स्थापित करना। 15वां है परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सके। और 16वां बिंदु है सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन।